हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नमिताज किचन अगेन। आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बहुत ही टेस्टी स्नैक्स बनाने वाले हैं जो कि सबको पसंद होते हैं और ख़ास करके ये हेल्दी भी होते हैं। चनों की एक बहुत ही पसंद की जाने वाली रेसिपी है चना जोर गरम, जो कि आज हम बनाने वाले हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी हैं, इसको आप काफ़ी टाइम तक स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब भी आपको कुछ चटपटा खाने का मन करे तो आप इसका मज़ा ले सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है, बस इसके लिए हमने ये काले चने ले लिए हैं। काले चनों को मैंने रात भर भिगो कर रख दिया था और उसके बाद मैंने इसको कुकर में बॉयल कर लिया है। बॉयल करते वक्त मैंने इसमें नमक डाल दिया था एक छोटी चम्मच, तो मैंने इनको अच्छे से बॉईल कर लिया है। ये इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, इस तरह से प्रेस हो जा रहे हैं, तो इस तरह से आपको इसको बॉईल कर लेना है। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको इस तरह से बॉईल कर लेना है और बॉईल करने के बाद हमें क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। मसालों में मैंने बहुत ज़्यादा मसाले नहीं लिए हैं। मैं काला नमक ले लिया है टेस्ट के हिसाब से, प्लेन सॉल्ट है ये चना मसाला है एक छोटी चम्मच, चाट मसाला दो छोटी चम्मच और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, या अगर आप तीखा नहीं खाते तो मिर्च को अवॉइड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चनों को तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने ये जो चने हैं इनको फ्लैट कर लेना है। फ्लैट इस तरह से करेंगे, आप इसके लिए चकला बेलन का भी यूज़ कर सकते हैं। चनों को इस तरह से रखिए और इसको इस तरह से बेलन से आप प्रेस करके इस तरह से इनको फ्लैट कर दीजिए। तो इस तरह से हमने सारे चने जो है इस तरह से फ्लैट करके रेडी कर लेने हैं। मैं इसको अलग प्लेट में निकाल लेती हूँ। इस तरह से मैंने ये चने रख दिए हैं। अगर आप एक एक चने को करेंगे इस तरह से तो काफ़ी समय लग जाएगा, तो इसका बहुत ही आसान तरीका है कि चकले पर इस तरह से आप इसको रख दीजिए और ऊपर से इस तरह से बेलन से प्रेस कर दीजिए, तो ये बहुत ही जल्दी फ्लैट हो जाएंगे। तरह से आपको इसे फ्लैट कर लेना है, आप अपनी फिंगर से भी इसको कर सकते हो और इसको बेलन से भी आप इस तरह से कर सकते हो। तो ये देखिए, ये मैंने फ्लैट कर लिए हैं। तरह से आपने सारे चनों को रेडी कर लेना है। तरह से मैंने सारे चनों को एकदम से फ्लैट कर लिया है, एकदम से चपटा कर लिया है। तो अब इसमें जो है थोड़ा बहुत पानी है, थोड़ा बहुत स्टीम है, तो पहले हम उसको ड्राई कर लेंगे बिल्कुल। इसके लिए मैंने कुकर रख लिया है गैस पर। मेरे पास बड़ा कुकर है, ये मैंने रख लिया है। अब इस कुकर को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है और चनों को मैंने एक स्टील के बर्तन में डाल दिया है। अब मैं इस बर्तन को कुकर के अंदर रखने वाली हूँ। कुकर के अंदर मैंने कोई भी पानी नहीं डाला है क्योंकि हमने इसको स्टीम नहीं देना है, बल्कि इसके अंदर जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर रह गया है, जो थोड़ा बहुत पानी रह गया है, उसको हमने अच्छे से ड्राई कर लेना है। तो गैस को मैंने बिल्कुल हाई फ्लेम पे कर दिया है। मैं कुकर को इस तरह से कवर कर रही हूँ और इसको 10 मिनट तक मैं बिल्कुल हाई फ्लेम पे इसी तरह से रखूँगी ताकि इसके अंदर जो चनों के अंदर जो पानी है, जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर है, वो बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाए। 10 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको 10 मिनट तक कुकर में कवर करने के बाद इसको बाहर निकाल लिया है। अब इनका मॉइस्चर जो है ये बिल्कुल हट चुका है, बिल्कुल बिल्कुल ये ड्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसको हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई रख ली है, कढ़ाई को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, करीबन 1-2 चम्मच हमने ऑयल डालना है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लीजिए। तो ये ऑयल हमारा गरम हो गया है, अब हम चनों को कढ़ाई में डाल देते हैं। गैस को मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा है और इसको 2-3 मिनट तक इसी तरह से चलाते हुए हम फ्राई कर लेंगे, जिससे इसका मॉइस्चर निकल जाए और ये थोड़े से कड़क से हो जाए, जैसे कि मार्केट में चना जोर गरम मिलते हैं। तो इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो आप चाहें तो प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और नींबू का रस डाल के भी इसको खा सकते हैं और इस तरह से भी आप इसको स्टोर करके रखेंगे तो काफ़ी समय तक ये ख़राब नहीं होते और बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। तो ये देखिए, इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ हल्का सा, बीच बीच में आप इसे चलाते रहिए।
तो ये देखिए मैंने इसको लो मीडियम फ्लेम पर भून लिया है। तो इसको आप 5-7 मिनट तक इसी तरह से भूनते रहिए और इसको बिल्कुल करारा कर लीजिए। ये देखिए इसके अंदर से जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल जा चुका है, ये बिल्कुल कड़क हो चुका है। जैसे ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखिए लगभग ये रेडी हो गया है। देखिए आवाज़ भी इसकी आ रही है, जिससे पता चल जाएगा कि ये काफ़ी कड़क सा हो गया है और इसके अंदर का जो मॉइस्चर था ये सारा निकल गया है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए चने को हमने प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसको बिल्कुल ठंडा कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। अगर गरम में मसाले डालेंगे तो इसमें मॉइस्चर आ जाएगा। इसको कम्प्लीटली कूल करने के बाद ही हम इसमें मसाले डालेंगे। तो ये देखिए ये बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसमें मसाले डाल देते हैं। थोड़ा सा मैं प्लेन सॉल्ट डाल रही हूँ इसमें, काला नमक आप अपनी टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, चाट मसाला मैंने आधी छोटी चम्मच चाट मसाला डाला है। आप और चटपटा बनाना चाहते हैं तो थोड़ा और डाल सकते हैं। मुझे थोड़ा सा तीखा पसंद है तो मैं थोड़ी सी काली मिर्च इसमें डाल रही हूँ और थोड़ा सा मैंने इसमें चना मसाला डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ये हमारा चना जोर गरम बन करके रेडी हो गया है। इसको आप एयर टाइट कंटेनर में भर के रख सकते हैं। जब भी आपको चटपटा खाने का मन करे तो आप इसको खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, बहुत ही क्विक स्नैक्स है, बहुत ही हेल्दी स्नैक्स है। आप ये बच्चों को भी दे सकते हैं, उनके लिए भी काफ़ी हेल्दी रहता है ये। और चाहे तो इसको चटपटी चाट भी बना सकते हैं। इसमें आप प्याज टमाटर कट करके डाल दीजिए, नींबू का रस डाल दीजिए और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर से एक न्यू रेसिपी के साथ आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।